हेलो फ्रेंड्स, ज्योति की फुलवारी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज वीडियो की शुरुआत एक खूब सुंदर फूल पारिजात हार श्रृंगार के फूल से कर रही हूँ। तो आज की वीडियो की टॉपिक ये नहीं है, आज की वीडियो की टॉपिक है मेरे इंडोर प्लांट्स। आज आप लोगों को दिखाऊंगी और कहाँ रखती थी वो भी दिखाऊंगी और अभी कहाँ पर है वो भी दिखाऊंगी, तो वीडियो पर बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो ये देखिए, ये मेरा बालकनी है और यहाँ रेनोवेशन का काम चल रहा है। तो सारे प्लांटर्स को मैंने दूसरी जगह शिफ्ट करी हुई थी इस जगह पर। अब इस जगह पर सनलाइट मतलब छन कर उतनी लाइट नहीं मिल पा रही थी, तो पौधे थोड़े डल से हो रहे थे। तो इसको अब दूसरे जगह पर मैं शिफ्ट करूँगी और इनको एक नया लुक दूँगी। सिंपल सा ही लुक है, टेम्प्ररी सा ही लुक है। तो आजकल मैं कुछ ज़्यादा ही टेम्प्रेरी लुक गार्डन की क्रिएट कर रही हूँ। दोस्तों, ये पूरा खाली जगह है, यहाँ पर मैं आपको अपने इंडोर प्लांट्स अरेंज कर दिखाऊंगी। तो अभी ऐसा लुक है, यहाँ पर देखिए विंडो है जहाँ से छन छन कर धूप आएगी और सनलाइट पार्सली आएगा और ब्राइट लाइट आएगी, तो इंडोर प्लांट्स हैप्पी रहेंगे। एक एक कर मैं पौधे वहाँ शिफ्ट कर देती हूँ। तो एक एक कर प्लांटर, पहले प्लेटफॉर्म को मैंने साफ़ कर लेना है धुलकर, फिर सारे पौधों को वहाँ पे रखना है। तो पहले तो पौधे सारे मैं ले आती हूँ वन बाय वन करके, और जहाँ पर अभी रखी थी टेम्प्ररी तो धूप नहीं लग रहा थोड़े एक दो घंटे की भी, तो पूरा इंडोर रह रह के ये पौधा एकदम लकीसा हो गया है। और एंजॉय पोथोस को वाटर प्रोपगेट की थी तो रूटिंग बहुत ही अच्छे से हो गई, लेकिन देखिए इसकी वेरिगेशन चली गई। तो थोड़ा लाइट रहना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, तो इसीलिए मैं यहाँ विंडो के पास अपने प्लांट्स को शिफ्ट करूँगी। शिफ्ट कर मिलती हूँ इन पौधों को। तो ये सेफलेरा का प्लांट है और सारे प्लांटर्स को मैंने यहाँ शिफ्ट कर दी। ये टर्टल वाइन है और ये देखिए, ये जेट की कटिंग लगाई थी और कैलेंचो उसमें लगा हुआ है। ये मेरा पुराना जेट का प्लांट है। ऑक्सेलिस ट्रेंगुलारिस है और पीछे सेंसिवेरिया है। और रात हो रहा है मतलब शाम होते गया, तो इसलिए ये इस तरह से बंद हो जाती है। तो ये सेंसिवेरिया प्लांट है और इसमें से एक न्यू बेबी प्लांट निकल रहा है, बेबी पफ। तो और ये लेवेंडर का प्लांट है, बहुत ही अच्छा इसमें खुशबू होती है। ये एक और ड्वार्फ सेंसिवेरिया है और कटिंग के थ्रू ही उसको मतलब वन लीफ से प्रोपगेट की थी मैं, उसके लीफ प्रोपगेशन की थी। और ये पेंडेनस का प्लांट है, इससे ये मदर प्लांट है मेरा, इससे मैंने कई पेंडेनस बनाई है। और ये वाइट सिंगोनिया में बहुत ही सुंदर लगता है, ये मदर ऑफ थाउजेंड। और ये पॉट में मैंने कुछ कलाकारी की। और पीस लिली है, ये लिस्टिक एग्लोनीमा है, बहुत ही सुंदर इंडोर प्लांट है। और ये सिंगोनियम की नॉर्मल वैरायटी है। ये स्पाइडर प्लांट है क्लोरोफाइटम, इसमें बेबीज नहीं लटकते, बस ये इसी तरह रहता है। और यहाँ पर बुद्धा जी को प्लेस किया है। और ये मेरा है गोल्डन पोथोस और मॉस स्टिक पे देकर, मतलब कॉयर स्टिक है, मॉस स्टिक नहीं है, कॉयर स्टिक पे लगाई हुई है, तो बहुत ही हेल्दी है। और डेसिना मार्जिनाटा का ये प्लांट है। और इधर फिर फाइनली शिफ्ट किया एंजॉय पोथोस को। तो कैसा लग रहा है लुक, आप सभी बताइएगा मेरे इंडोर प्लांट्स कैसे लग रहे हैं। तो ड्रेसिना मार्जिनाटा भी बहुत ही हेल्दी ग्रो हो रहा है। और इस तरफ भी एक विंडो है, तो यहाँ से भी बहुत ही अच्छी ब्राइट लाइट इन सभी प्लांटर्स को मिलेगी। तो आप लोग कमेंट कर कहिएगा कि मैं अपने इंडोर प्लांट को बालकनी में शिफ्ट कर दूँ या इसी जगह पर रखूँ। एक्चुअली ये मेरा फर्स्ट फ्लोर का ये किचन है, तो ये यहाँ पर मैं कुकिंग नहीं करती हूँ, ये खाली ही रहता है। तो मैं सोची टेम्प्ररी यहीं पे प्लांटर्स को शिफ्ट कर दूँ। और ये एक वाटर प्रोपगेशन करी हुई है पोथोस की। तो कैसा लगा मेरा इंडोर प्लांट का कलेक्शन। और बहुत सारे इंडोर प्लांट्स अभी मैंने टेरेस पर शिफ्ट किए, सिंगोनियम की तीन चार वैरायटी सोच रही हूँ यहाँ पर ले आऊँ, लेकिन यहाँ पे स्पेस की बहुत ही ज़्यादा कमी हो जाती है, तो सारे प्लांटर्स लाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो बुद्धा जी को अभी मैंने यहाँ प्लेस की है। तो कैसा लग रहा है लुक दोस्तों, आप सभी बताइएगा। और ये भी एग्लोनीमा की एक वैरायटी है, चाइनीज़ एवरग्रीन जिसे कहते हैं। और बुद्धा जी को प्लेस करना है तो आप लोगों को दिशा का बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा। अभी तो मैंने बुद्धा जी को
ईस्ट फेसिंग मतलब ईस्ट के तरफ प्लेस किया है, और ये होममेड स्टैंड है ये, और DIY है ये, गत्ते से बनाई हुई है। तो कैसा लग रहा है आप लोग बताइएगा वो स्टैंड। और उसी पे मैंने हाइट देने के लिए बुद्धा जी को उसमें प्लेस किया है, और ये एग्लोनीमा का एक वैरायटी चाइनीज एवरग्रीन, उसमें ब्लूमिंग स्टार्ट हो गई थी। तो इंडोर मतलब बहुत ही ज़्यादा इंडोर रह गया, और इन दिनों प्लांट्स की देखरेख नहीं हो पाई कहीं ना कहीं, तो थोड़ा सा बेचारे ये डल हो गए हैं, लेकिन अब केयर करूँगी। और ये टोकरी भरकर बास्केट भरकर मदर ऑफ थाउजेंट है, तो ये भी बहुत ही सुंदर प्यारा सकुलेंट का प्लांट होता है, कभी नहीं जाता है आपके गार्डन से। और इसको मैंने लीफ के थ्रू प्रोपगेट की थी ये ड्वार्फ सेंसिवेरिया को। तो ये लेवेंडर का प्लांट, ये भी कटिंग के थ्रू ही ग्रो की थी। और ये देखिए टर्टल वाइन, और यहाँ जेट का प्लांट है, और इधर भी कुछ जेट के प्लांट है, कटिंग के थ्रू लगा रही थी। और ये फिर मैंने इधर ऊपर शिफ्ट करके देख रही थी कि कैसा लगेगा ऑक्सैलिस को, और इस तरह से छन छन कर देखिए लाइट आती है, का लाइट आ रहा है छन छन कर बालकनी की। और सेफलेरा प्लांट है, बहुत ही सुंदर इंडोर प्लांट। तो अच्छा लगा आप लोगों को इंडोर प्लांट देखकर, तो कमेंट ज़रूर करिएगा। और ये बहुत ही हेल्दी है दोस्तों, एकदम कॉयर में चिपक चिपक कर इसके एरियल रूट बहुत ही अच्छा से ग्रो करवा रहे हैं। और ये वाला भी अच्छा, बहुत ही स्लो ग्रोथ होता है, लेकिन इसकी वेरिएशन लीफ की बहुत ही अच्छी लगती है। तो ये सारे आप ज़रूर अपने गार्डन में, लो केयर में चलने वाला ये सारा इंडोर प्लांट है। इंडोर प्लांट का यही खासियत है कि इसे बहुत ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती है फ्रूटिंग और फ्लावरिंग प्लांट के मुकाबले में। तो इंडोर प्लांट को ग्रो करना काफ़ी ईजिली होता है, आसानी के साथ आप लोग यूज़ कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह से यहाँ मैंने कुछ प्लांटर प्लेस करी, और सोची कि इस तरह से मैं इनको रखूँ बुद्धा जी को। तो फिर मुझे लगा कि और क्या करूँ, चेंज कर दूँ क्या करूँ, तो आप सभी बताएं। तो बुद्धा जी को कभी भी हम लोगों को रखना है तो ईशान कोण में रखना चाहिए, और उनका जो फेस होना चाहिए वो ईस्ट और नॉर्थ के साइड में होना चाहिए, नहीं पूरब और उत्तर के मिलन। बुद्धा जी की मूर्ति को कभी भी पश्चिम और दक्षिण में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उससे जैसे बुद्ध भगवान मोक्ष की प्राप्ति के लिए जाने जाते हैं, मतलब साधना करते हुए बुद्धा जी को रखना बहुत ही सूदिंग लगता है, लेकिन सही दिशा में रखना चाहिए। अगर हम लोग दक्षिण और पश्चिम एरिया में रख दें तो उससे हमारी उन्नति प्रगति में बाधा आती है। तो आशा करती हूँ आज का वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा हो। तो इसी के साथ आप लोगों से विदा लेती हूँ, तो टेक केयर, टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गो विद ग्रीन, हैप्पी गार्डनिंग।